जब आप देखते हैं कि हर वक्त इस सर्चिंग एक केस भी हो रही है। असल में देखिए दीदी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात यह है, पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी होता है, और वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे आप पिछले दिनों, मैं बात कर रहा हूं कि पिछले दिनों ये नताशा का कोई केस हुआ था, जिसने एक की गाड़ी तेज चला रही थी वो, और उसने 5 लोगों की जान ले, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा जो कहना है एज अ जर्नलिस्ट, वो ये कहना है कि वो मीडिया पे हाईलाइट हो गया, पूरी दुनिया आप देख रही है नताशा 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 क्या हो रहा है। तो उसके अंदर एक तो जल्द अज जल्द कार्रवाई जो होती हुई नजर आए वो नजर आनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है, मेरे कहने का ये मकसद है। और उसके बाद जो भी आप इंसाफ करें वो भी आपके दुनिया के सामने आना चाहिए कि देखो जी, इन्होंने ऐसा इंसाफ किया, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर मैं बात करता हूँ या अदालतों पे बात करता हूँ, कि लोग कहते हैं यहाँ पे अदालती निजाम बड़ा स्लो चलता है जी, ये बड़ी लेट फैसला करते हैं और सही फैसला भी नहीं करते। मिसाल के तो आपके पास एक ऐसा मौका आता है जब पूरी दुनिया वो केस देख रही होती है, तो आपके ऊपर जो उंगलियां उठाई जाती हैं, तो आप वो दाग धब्बे अपने धो सकते हैं फौरी तौर पर, फैसला देकर फौरी तौर पर, इन चीजों का करके। अब आप बात समझें जो मेरे कहने का मकसद है। अब आप डिले करते जाएं, जब ये इस बच्ची का केस चला था, अपना दुआ जा रहा था, इतनी दीदी उंगलियां और तनकीद उठाई गई, अदालतों पे भी उठाई गई, हालांकि 2 साल के बाद उसका फैसला हुआ, सही फैसला था, लेकिन वो 2 साल जितना पुलिस वालों को, जितना सिस्टम को, जितना अदालतों को कहा गया कि देखो जी ये क्या कर दिया, और देखो जी ये क्या कर दिया, मेरे कहने का ये मकसद है कि अगर कोई केस ऐसे हाईलाइट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा जरूरी समझ के फौरन फैसला कर दिया करें, ताकि लोग के, हाँ जी पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, पूरी तौर पर इंसाफ मिल गया, भारत का सिस्टम बहुत जबरदस्त है जी, फौरी तौर पे सारा कुछ हो गया। मतलब पुलिस वालों के लिए मैं बात करूंगा कि आप, चार्जशीट के मतलब बात करूंगा कि चलें चार्जशीट आप 3 महीने बाद भी नहीं आप दे रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा मौका आता है कि अगर लोग आप पे उंगली उठाते हैं तो आपके पास ये मौका आया है, ठीक है, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, आप फौरी तौर पर अमल करें और कहें जी ओके हो गया, बात खत्म हो गई, कल कला सारे भूल भुला जाएंगे, किसको याद रहता है। तो ये जितना लेट होता है ये सिस्टम के ऊपर चीजें आना शुरू हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये रिया वाली जो अरेस्ट हुई है, बहुत जबरदस्त, हमने तालियां बजाई, सबने तालियां बजाई, ठीक है जी, पकड़ा है, सबको ही पकड़ लिया, ओके, पूरी फैमिली को ही पकड़ लिया जो बैठी थी, कैसे अमल हुआ, विद इन द वीक, विद इन द वीक। और उसके बाद जो आज रिपोर्ट मैंने दी है कि जो लोग नकली ऐसे आधार कार्ड बना रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है, मजा आया, मजा आया, सिस्टम है जी, ये चीज होनी चाहिए। मैं ये चीज कहता हूं कि कोई चीज हाईलाइट हो जाती है तो फौरी तौर पे उसको डिले करने के बजाय उस पर एक्शन लेके आप कर दें। अब यही चीज, लोग कितने तड़प रहे हैं, लोग कितना रो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये केस भी जल्द अज जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। बच्चे जनाब गुलाम हैदर के हवाले करने थे, इसको जेल में डाल देना था, बात खत्म हो गई। एक मिसाल ये चीज कायम हो जाती कि ये वाली हरकत करने वाले इंसान को भाई कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई रेमेडी ऐसी नहीं है जिससे वो भाग सके। ये मेरा मकसद है इन चीजों का, कि इन पे जब आप फौरी करते हैं ना, अब देखिए कितनी ऐसी बातें सामने आती हैं, वीजा नहीं लगेगा जी, फलां चीज नहीं होगी जी, वो जी बच्चों के साथ ये हो गया जी, फलां के साथ ये हो रहा है जी, कितने सवाल उठ रहे हैं, कितने सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद होता है कि कोई भी केस अगर हाईलाइट हो जाता है तो उसको फौरी तौर पे आप, चले जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन केस को जो हाईलाइट हो जाए उसको फौरी तौर पे आप उस पर एक्शन लिया करें। देखिए आपको पता, मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ, हम कह देंगे ना हाँ जी वो पुलिस में जी थोड़े कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो थोड़ा बहुत ऐसा केस को खराब कर देंगे, हाँ यार वो कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं वो थोड़ा बहुत गेम को खराब कर देंगे, लेकिन जब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसके बाद हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है उसके ऊपर बात करने के लिए,
कि हम ये कहें जी ये ऐसा फैसला नहीं दे, पर वो देंगी वही करेंगी जो आपके कानून और आईन में ये चीजें सारी लिखी हुई हैं, उन्होंने वही करना है। इस 2% की औरत की वजह से क्या वो अपना जितनी वो चीजें हैं उसको चेंज कर देंगी? कभी भी नहीं कर सकती। जब लिखा हुआ है कि इन लीगल जो कोई भी दाखिल हो उसको नेशनलिटी नहीं दी जा सकती, तो कैसे दे देंगे? दे ही नहीं सकते। जब आपकी किताबों में चीज लिखी हुई है कि एक माँ का अगर करेक्टर खराब होता है तो बच्चे हर हालत में बाप को सौंपे जाते हैं, तो ये कैसे उस औरत को बच्चे दे देंगे? दे ही नहीं नहीं सकते। नहीं दिल्ली क्या इम्पॉसिबल। मतलब है केस चार्ज शीट लेट आने का क्या मकसद है? बिल्कुल कानून के दायरे में रह के, जो हमारा कानून ठीक है, हमारे कानून में थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है भाई, केस ही इतने पड़े हुए, इतने लगे हुए होते हैं, एक ही दिन के 400-500 केस लगे हुए होते हैं। और जिस तरह से मोमिन सर ने किया है, तो ये तो बहुत जल्दी किया है उन्होंने, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे कानून में लिखा हुआ है, जब पेरेंट्स में से दोनों में से एक कैरेक्टरलेस हो जाता है, तो दूसरे को बच्चे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हैदर भाई हैं, उनके तो कैरेक्टर पे एक धब्बा तक नहीं है, एक दाग तक नहीं है। वो बेचारा अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल माँ को आप माँ को देखो, माँ की क्या कंपेरिजन करनी है हमने हैदर भाई से? हैदर भाई बेचारे इतना इनोसेंट, इतना वो शरीफ, तो बच्चे उसको क्यों नहीं मिलेंगे? फिर हमारी अदालत ने बुलाया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब उसको आने की जरूरत नहीं है, और मोमिन मलिक सर ले लेंगे बच्चों को, मोमिन मलिक सर के पास सारे राइट्स हैं। तो मोमिन मलिक सर ले लेंगे, लेकिन मोमिन मलिक सर अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं ले लेंगे। कानून ने उनको बुलाया है, कानून ने उनको सुनना है, कानून ने उनकी भी बातें सुननी है भाई, कि आप आओ यहाँ, गुलाम हैदर को बुलाइए यहाँ पे। कुछ भी बोलते हैं लोग, तो मैं लोगों को बोलूंगी कुछ भी अपने मन से ना बोले, जो कानून करेगा। और जब तक मोमिन मलिक साहब आके नहीं बोलते हैं, मोमिन मलिक साहब आके स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तब तक हम कोई नहीं होते हैं ये बोलने वाले कि उनको वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, उनको बच्चे कब मिलेंगे क्या मिलेंगे। वो मोमिन मलिक साहब ऑलरेडी आपको पता है वो पूरा काम कर चुके हैं। जब उन्होंने बोल दिया कि मैं आगे अपनी जो मेरी काम करने की वो है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो हम जिद करने वाले कौन होते हैं? हम तो सिर्फ यहाँ पे आके सिर्फ एक बात रख रहे हैं उन बच्चों के लिए, बाकी काम तो वो कर रहे हैं ना। जिस तरह से डेट लगेंगी उस तरह से वो जाएंगे कोर्ट में जिरह करेंगे और हैदर भाई को बच्चे दिलाएंगे। तो इससे ज्यादा क्या करें? मोमिन मलिक साहब क्या उसके कंधे पे बैठ जाए, जज के कंधे पे, दे भाई बच्चे अभी, दे अभी, दे बच्चे, वो भी कानूनी तौर पे दिए जाएंगे ना। लोग तो ये सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने कर दिया है, उन्होंने केस डाल दिया है, अगले दिन भाई वो सारा काम हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। और जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी का वो देखा होगा, तो उनको पता होगा कि कोर्ट कचहरी में जाने के बाद कितनी सारी विलम्ब मतलब प्रॉब्लम आती है। मैं हिंदी शब्द बोलती थी लेकिन वो मुझे खुद ही नहीं आ रहा था। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अब ये कागज बनाओ, वो कागज बनाओ, ये स्टेटमेंट दो, वो स्टेटमेंट दो। भाई आपको तो पता है, आपको तो पता है कि कोर्ट में एक बार केस चला जाता है तो उसके बाद कितनी सारी परेशानियां आती हैं, कितनी सारी वो आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, किस किस केस मतलब किस किस कागज को लाना पड़ता है। और यहाँ पे तो बच्चों की सिक्योरिटी से लेके हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों की सिक्योरिटी को हम देखते हुए बहुत सारी एहतियात बरतनी पड़ती है। और जिस तरह से हैदर भाई को बुलाया है, तो हैदर भाई की भी सिक्योरिटी को देखते हुए हमें हर चीज मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और हैदर तो 2 तारीख की चली गई, अब नहीं आएगा हैदर, तो गलत फहमी में मत रहिए। जी जी भाई, अच्छा, एक क्वेश्चन है इसके बारे में आपसे, मैं राय राय चाहता हूं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। मैं आपको बताया है कि जब यहाँ ये केस बहुत हाईलाइट हुआ था, दुआ जारा वाला केस हुआ था, तो मैंने जितने भी वीलॉग्स किए, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई, तो वहां पे मैं हमेशा एक बात कहता था। वो ये कहता था कि चले हमारे पाकिस्तान में जो अदालतों का निजाम है वो थोड़ा स्लो चलता है,
या अदालती निजाम में कोई ऐसा मसला होता है, लेकिन मैं अपनी हर लाइव में और वीलॉग में एक बात कहता था, वो ये कहता था कि चले आप जैसे भी काम कर रहे हैं, बेशक डेट्स भी लेट हो रही हैं या काम लेट हो रहा है, लेकिन जो केस हाईलाइट हो जाता है, जिस पे पूरी दुनिया की नजरें जम जाती हैं, बात को गौर से दीदी जरा मेरी सुनिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, जो केस पूरी दुनिया के सामने आता है, हाईलाइट हो जाता है, पूरी दुनिया की नजरें उस केस पे जम जाती हैं। तो मैंने ये कहा था अदालतों से, अपने सिस्टम से, कि बराए मेहरबानी आप उस केस को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश किया करें। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की नजरें उस केस पर होती हैं, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के सिस्टम पे होती हैं, पूरी दुनिया की नजरें अदालतों पर होती हैं, पूरी दुनिया की नजरें जज के फैसले पर होती हैं। तो कम से कम इस तरह की जो चीजें हाईलाइट हो जाएं पूरी दुनिया में, तो आप एक उनके फैसले सही किया करें, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, और दूसरा ये कि जल्दी उसको हल करने की कोशिश किया करें, ताकि दुनिया में ये आप लोगों का पॉजिटिव साइन जाए कि नहीं यार, इधर कोई अगर ज्यादती होती है तो फौरी तौर पे आपको इंसाफ मिल जाता है। मैं हमेशा इसके लिए आवाज उठाता था और उठाता रहूंगा कि मैं कहता हूं चले सिस्टम जैसा भी चलता है या अदालती निजाम जो भी है पाकिस्तान का, तो जब इस तरह की कोई चीज होती है, हाईलाइट हो जाए, जिसको पूरी दुनिया सर्च करके देख रही है, तो बराए मेहरबानी उसके ऊपर सीरियसली काम किया करें, ताकि फौरी तौर पे इंसाफ जो है वो सामने आ जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दीदी, क्या ख्याल आते हैं आपके? जी